जय हिंद, मैं कुमार विवेक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला में। आज हम आरपीएफ की वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए, तो कृपया आप लोग जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि हम इसको आप तक इसलिए पहुँचा रहे हैं आपको मदद मिले एग्ज़ाम में आरपीएफ के। ये विविध का पोर्शन है, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, प्रश्न सिलेक्ट किए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने के 90% चांस रहते हैं। देखिए, आप लोगों को विश्वास के साथ पढ़ाई करनी है। ये आपको नहीं पता कि एग्ज़ामिनर कैसे बनाएगा क्वेश्चन, वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक विश्वास के तौर पे इसको बढ़िया से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है लोगों तक, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। आप यहाँ पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेज चलती हैं, आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसको शेयर करें। चलिए आज आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं कि आगे क्या नाम किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आरपीएफ का स्पेशल बैच है जो कि 3-4 बजे से लगाकर 7 बजे तक चलता है। यहाँ पर आपको रीजनिंग हिंदी, वो रीजनिंग जीएस और मैथ तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आकर के इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि सीटें भी लिमिटेड हैं और हम भीड़ नहीं बढ़ाना चाहते, हम सिर्फ लिमिटेड बच्चों को रखना चाहते हैं ताकि हम बढ़िया से सिलेक्शन दे सकें। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बता दें प्रीवियस ईयर है, एसएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने यह कहा कि कोई राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह कथन किसका है? तो आप ध्यान रखेंगे, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक, कि किसने यह कहा कि कोई राजनीति धर्म से रहित नहीं है, यह महात्मा गांधी जी का कथन है, आपको इसको ध्यान रखना है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस का विश्लेषण भी बढ़िया से करेंगे अच्छे से, अभी ये वन लाइनर जो क्वेश्चन है इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, मतलब वो पूछ रहा है जो संघ लोक सेवा आयोग अपना यूपीएससी है उसकी रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है जो कि संसद में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया? तो आप ध्यान देखिए, अल्पसंख्यक वो लोग जिनकी संख्या भारत में कम हो उनको अल्पसंख्यक बोला जाएगा, चाहे वो इस्लाम धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे वो ईसाई धर्म के हों, मतलब जिनकी संख्या सूक्ष्म कम है वो अल्पसंख्यक। तो ये 1992 में बनाई गई, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया। उसके बाद पूछा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपने अनुच्छेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये वाला कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 335, अनुच्छेद 335। इसी के बाद आपको एक और अनुच्छेद बता दें, 315। तो 315 अनुच्छेद संघ राज्यों के लोक सेवा आयोग, ठीक, संघ राज्यों के लोक सेवा आयोग से संबंधित है 315। उसके बाद पूछा जाएगा कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, या कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए? तो अनुच्छेद 365। ठीक, अगला है महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई, कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय नीति 2001 में, विशेष ध्यान देंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति। आपको फिर बता दें, जितना भी मैंने यहाँ पर कंटेंट रेडी किया है पूरा कंटेंट प्रीवियस ईयर पर डिपेंड करता है। 2015-16-13 के आपको पेपर उठा के देखेंगे एसएससी के, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? यहाँ पर वो ये भी कह सकता है कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष गठित हुआ, तो यहाँ पर उसने क्या अधिनियमित हुआ, तो ये 15 जून 2005 को पारित हुआ था। ठीक, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो आपको याद होगा कि बीते समय में जितना एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ? तो सेंट पीटर्सबर्ग 1917 में, सेंट पीटर्सबर्ग 1917 में रूसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग से। फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा, तो पूछा गया है
कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा। देखिए ये मत सोचिएगा कि हम भारत में रहते हैं तो भारत से ही सब कुछ पूछेंगे, वो जनरल अवेयरनेस एक चीज़ होती है ना, सामान्य जागरूकता, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा था, तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। और ये फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। पूछा गया है कि चीन की मुक्ति के समय पे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे माओ जीडोंग। ठीक, ध्यान रखेंगे माओ जीडोंग। यह दावा तो नहीं करते कि ये आप में आएगा, लेकिन ये मैं दावा जरूर करता हूँ कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बैक डेट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि महिलाओं के हित के लिए कानून कौन सा बनाया। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं के हित के लिए शरीर व्यापार अधिनियम, जो कि 1956 में पारित हुआ। शरीर व्यापार अधिनियम का मतलब देह व्यापार, जो वेश्यावृत्ति हो रही थी जिससे समाज में एक गलत संदेश जा रहा था, उसको रोकथाम करने के लिए 1956 में कानून बनाया गया। उस कानून के तहत ही ये जो वेश्यावृत्ति हुई, जिसमें कुछ लोग महिलाओं को किडनैप कर लेते हैं या उठा लेते हैं, या उनके उठाने के बाद में अगवा करने के बाद उनका न्यूड फोटो शूट कर लेना या उनका वीडियो बना लेना और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना और उनसे रुपये ऐंठना, या फिर उनको वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर करना, या कुछ महिलाएं या लड़कियां जो जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास मजबूरी है तो वो कुछ कर नहीं सकती हैं, मजबूरी है तो वो ये सब करती हैं, तो उसके लिए वो वेश्यावृत्ति में चली जाती हैं, और जब वो इस तरीके के काम करती हैं तो ये अनैतिक होता है एक तरीके से, इससे समाज में गलत संदेश जाता है, तो और उसी को देख करके अन्य लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर ये ऐसा कर रही हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हम भी तो गरीब हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, हमको करने में क्या दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे कर करके ये एक जंजीर बन जाती है, और आप देखते होंगे बड़े बड़े रैकेट्स पकड़े जाते हैं, अभी बीते 2 दिन पहले ही एक पकड़ा गया। तो उस सबका रोकथाम करने के लिए, समाज में स्त्रियों की इज्जत बनी रहे, समाज में लोग उनको इज्जत के नज़र से देखें, सम्मान दें उनको और उनको अपने पास बिठाएं, उनसे किसी भी प्रकार का लाभ ना सोचें, तो इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 1956 में शरीर व्यापार अधिनियम को पारित किया। तो शरीर व्यापार अधिनियम को पारित करने के बाद में सरकार ने इसमें 1986 में संशोधन किया, ध्यान रखिएगा 1986 में संशोधन किया, और उसमें इन्होंने कहा कि अब बालिकाएं और महिलाएं जो भी हैं वो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अनैतिक संबंध ऐसे नहीं बना सकती हैं, और कोई बालिका या महिला ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे समाज में गलत संदेश जाए, चाहे वो बालिका हो चाहे वो महिला हो, अगर वो ऐसा करती है तो उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप फिलहाल तो इस समय तो ट्रेंड चल चुका है, आप देखते होंगे कि इस समय क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे ज़माने में हैं समाज में। मैं जो बोलूँ उसको अन्यथा ना लेकर के थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आजकल तो लोगों का ये ट्रेंड चल रहा है कि कहीं कहीं देखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे लोग भी ज़माने में हैं जो फ़ोन ना छूने देंगे लेकिन शरीर को टच करने देंगे, क्योंकि वो उसी फ़ोन से कई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो फिर फ़ोन कैसे छूने देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इन सब सारी बातों को इसलिए करते हैं ताकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनसे अनजान हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों के भड़काने पर आ जाते हैं, भड़काने पर आ जाते हैं। कुछ लोगों को रास्ता भटकाना हो तो उनकी आप तारीफ़ कर दो खाली, और कुछ लोग झूठी तारीफ़ सुनने के भी आदी होते हैं, और यही तारीफें ले जा करके उनको गड्ढे में डाल देती हैं, और वहाँ उनको उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं रहता। समझते हैं बात को? आप ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे लोग हैं ज़माने में जो आपको बोलेंगे, आपको मिलेंगे। देखिए मैं किसी एक को नहीं कह रहा, सभी को सामूहिक तरीके से कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हमारे यहाँ पर हैं जो कहते हैं कि लड़के जिस्म के भूखे होते हैं, जबकि खुद हर लड़के से अटेंशन पाना चाहते हैं, हर लड़के से अटेंशन माना चाहते हैं। तो ये भी हमारे समाज में गलत है, इस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक, आप आजकल लोग लड़के नहीं देखते हैं लेकिन उनको मजबूर किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा।
कि वैश्यावृत्ति क्या होती है, इसकी परिभाषित तरीके से कि किसी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण वैश्यावृत्ति कहलाता है। आप मान के चलिए अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आपको लाभ है और आप उसका शोषण कर रहे हो, अब जैसे आपने किसी की न्यूड मूवी बना ली या किसी का फोटो शूट कर लिया या किसी की क्लिपिंग बना ली या किसी के साथ जब कोई किसी के साथ संबंध में है या कुछ वहाँ पर लेटा है सोया हुआ है आपने उसका वीडियो शूट कर लिया और उससे फिरौती मांगने लगे वरना ये वायरल कर देंगे, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और यहाँ पर सरकार ने ये भी कहा कि 2 साल की जेल हो सकती है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसे पकड़ा जाता है तो 2 साल की जेल होगी, 1,000 रुपये जुर्माना होगा या फिर दोनों होंगे। उसके बाद अगर कोई नाबालिग के साथ इस तरीके का काम करता है तो 7 साल की जेल और 10 साल का तो 7 से 10 साल की जेल हो जाएगी, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जो आपको हम बता रहे हैं ये इस शरीर व्यापार अधिनियम के तहत ही आती हैं। शरीर व्यापार अधिनियम बहुत ही ज़्यादा कठोर है। अब मान के चलिए अगर किसी के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो दुष्कर्म के लिए ये नहीं है, ये दुष्कर्म के लिए नहीं है, दुष्कर्म में तो सीधे आपको 76 लगेगी जा करके, ठीक। और अगर आप किसी के साथ छेड़छाड़ करते हो तो 354 लगेगी, लेकिन 354 लगेगी छेड़छाड़ पे, 76 लगेगी आपके दुष्कर्म करने पे। लेकिन उससे पहले का जो है बताया गया ना कि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति आर्थिक लाभ के लिए किसी के साथ लैंगिक शोषण कर रहा है तो वहाँ पर आपको ये सब जुर्माना झेलना पड़ सकता है। कहने की बात सीधी सी ये है कि आप इतना मान के चलिए संस्कार ही जुर्म को रोक सकते हैं, सरकार नहीं, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, केवल संस्कार ही हैं जो जुर्म को रोक सकते हैं, दुराचार को रोक सकते हैं, सरकार नहीं, क्योंकि सरकार के रोके रुकता तो कब के रुक गया होता, ठीक। आगे आप देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे कोठारी समिति के द्वारा त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश हुई थी, और ये गठन किसके द्वारा हुआ था, तो डॉक्टर दौलत सिंह की अध्यक्षता में 1964 में इसका गठन हुआ था कोठारी समिति का। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 1966 में कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसी समय 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई थी। एक बार फिर से कि जो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश समिति, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा हुई थी, तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति के द्वारा हुई, और कोठारी समिति का गठन डॉक्टर दौलत सिंह की अध्यक्षता में हुआ था 1964 में। इसने अपने रिपोर्ट 1966 में सौंपी थी और 1968 में इसी के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई थी। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे आप देखिएगा कि 12वां क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस प्रकार करता है, तो आप ध्यान रखना सीनेट के मदद से, अमेरिका का राष्ट्रपति है वो सीनेट की मदद से अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। सीनेट क्या होता है, ये विचार विमर्श करने वाली एक सभा होती है, उसे सीनेट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, वो बुनकर हो सकते हैं, वो डांडिया वाले हो सकते हैं, वो अन्य अन्य कुटीर उद्योग वाले हो सकते हैं, तो उसी को बोला गया कि किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, तो अल्पतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सुरक्षा परिषद को जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक, सुरक्षा परिषद को जिम्मेदारी दी गई। ये सुरक्षा परिषद जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी रहते हैं और 10 अस्थायी रहते हैं, इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, और जो 10 अस्थायी रहते हैं वो सिर्फ 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब आप देखिएगा, यहाँ पर आपको हमने इतना समझा दिया, अब यहीं से क्वेश्चन इसमें काफ़ी बन के आ गए। उसने क्वेश्चन अगला पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या, वो उनकी समय अवधि कितनी रहती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो समय कार्यकाल रहता है वो 2 साल रहता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक।
अगला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम, तो वो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन एक होगा जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस होगा, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इन्होंने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, 4 ऑप्शन होंगे, विकल्प 4 दिए होंगे, स्विट्जरलैंड, चीन का लोक गणतंत्र, जापान, यूक्रेन। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा चीन का लोक गणतंत्र, जबकि स्विट्जरलैंड, जापान, यूक्रेन कभी नहीं हो सकते, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर किस हिसाब से आपके ब्रेन से खेलता है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा एक देश सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो आप फ्रांस बताएंगे या जर्मनी बताएंगे या रूस बताएंगे या अमेरिका बताएंगे, तो कौन सा एक देश जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, हमने 5 बताए, तो इनमें से जर्मनी ही नहीं है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से समझते चलिएगा कि कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं, तो आपको बता दें 193 देश हैं जो यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं, उसमें से 2011 में दक्षिणी सूडान 193वां देश बना था, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 15 है, मुख्यालय कहाँ है, हेग नीदरलैंड में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और यहाँ पर ये जो जजेस हैं वो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 9 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अयूब खां के साथ ताशकंद पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो 11 जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद पर हस्ताक्षर किए थे, ये जो अयूब खां थे ये राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, इनके साथ में लाल बहादुर शास्त्री ने दोनों देशों के बीच में शांति सुरक्षा बनी रहे, उसलिए ताशकंद पे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था, तो ध्यान रखेंगे पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब हमने भारत और चीन का युद्ध हारा था तो इन्हीं की शांति नीति के वजह से ही शायद हम हारे थे, ऐसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23, सरकार किसकी एजेंसी है, तो सरकार राज्य की एजेंसी है, क्योंकि राज्य जो है वो लोगों के प्रति रहती है, राज्य को पूरा ये अधिकार कर्तव्य राज्य के रहते हैं कि वो अपनी जनता को सुरक्षा सेवा प्रदान करे, उसके स्वास्थ्य के बारे में जाने, उसकी देखभाल करे, उसकी ज़रूरतों के बारे में, जिम्मेदारी सरकार राज्य की रहती है, इसलिए कहा गया सरकार किसकी एजेंसी है, तो सरकार राज्य की एजेंसी है। राज्य की विशिष्टता नहीं है, तो राज्य की आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो 3 विकल्प में अगर नागरिकता आता है तो आप लिखेंगे राज्य की विशिष्टता नागरिकता नहीं है, ठीक, इतना हमें आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर देखें, तो 25 में राज्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, तो राज्य के अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र रहेगा, ठीक। ये 25 क्वेश्चन हमने आपको प्रीवियस ईयर के टाइप लिखवा दिए हैं, अब इन 25 क्वेश्चन को आपको बढ़िया से एनालिसिस करना है, पढ़ना है, देखना है, और एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी बुक को पढ़ो या कोई भी चैनल देखो, पूरे विश्वास के साथ आपको पढ़ना चाहिए, वो वीडियो जब तक देखिए, अगर आपको कोई डॉक्टर दवाई दे रहा है आपको विश्वास नहीं होगा तो वो दवाई 50% काम करती है, हमेशा याद रखना, विश्वास के साथ किया गया काम 100% काम आता है। तो आपको ये वीडियो जो आपने देखा, विश्वास के साथ इसको पढ़िए, अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसी के साथ साथ आपको हम कुछ चीज़ें और बता दें कि अपनी ज़िंदगी में आप जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए थोड़ा उसको रोक लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, पहला तो UPP है, और दूसरा आपके पास RPF भी है, तीसरा अगस्त में SSC GD भी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है लेकिन काम बहुत है, अगर आप कहीं भी एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं अपना 10-5 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो उसको बंद कर दीजिएगा, वरना इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हमारी यही तमन्ना, यही अनुरोध, यही निवेदन आप लोगों से रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें, इसके वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, और जितने भी बच्चे हैं वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी पढ़ाई पर करें, क्योंकि आप इतना ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई के अतिरिक्त अगर आप कुछ भी करते हैं उससे आपको कोई लाभ नहीं है। एक बार दिमाग से सोचिएगा कि अगर आपने किसी से 1-2 घंटे बात की भी, कि आप कहीं घूमे टहले, तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो भी है यही समय है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समय अधिक हो रहा है,
ध्यान रखिएगा, इलेक्शन भी आ रहा है और इलेक्शन के चक्कर में आप कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप बीजेपी बीजेपी लेकर के चलें और आपका दोस्त सपा या इंडिया गठबंधन और इसके बीच वहां तो गठबंधन होगा, पता लगे आप अपना संबंध खराब कर लें। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट ना करे कि बीजेपी सरकार है, किसी को लेकर के कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है, किसी को भी लेकर के कुछ भी नहीं। आप इतना ध्यान रखिए, शासक किसी का सगा नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो तुम्हें पानी पिलाएगा तो हो सकता है उसको तुमसे कुआं खुदवाना हो, बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर ईगो आ रहा है, क्लास में आप बैठे हो आपके अच्छे नंबर आ गए हैं, तो आपको घमंड नहीं करना। अगर आप घमंड कर रहे हैं तो सीधी सी बात इतना मान लेना कि गधे के पास हो जाने से या गधे के जीतने से ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि गधा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया है, हो सकता है उस रेस में घोड़ा दौड़ा ही ना हो, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। अगर कोई फर्स्ट आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि बहुत विद्वान हो गया है, हो सकता है उसके लेवल का वहाँ पर कोई बैठा ही ना हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि गधे के पास होने से आप ये मत जाने कि गधा श्रेष्ठ हो गया, महान हो गया, हो सकता है उस रेस में घोड़ा दौड़ा ही ना हो। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को, फिर से एक बार बोल दे कि शासक कभी किसी का सगा नहीं है, तो कोई भी हो अगर वो आपको पानी पिलाएगा तो आपसे कुआं भी खुदवा सकता है, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।